अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द डाइट शो विद मी सना अजफर। और जैसे कि आपको पता है आज ट्यूसडे का दिन है और एवरी ट्यूसडे हम आपके पास लाइव होते हैं आपकी क्यूरीज देने के लिए, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको उनके लिए। और हमेशा की तरह आज भी आप अपने लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फेसबुक पे। इस वक्त लाइव है, हम आपसे आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका माइंड में क्वेश्चंस हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने रखा है, और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग हेल्दी स्किन की बातें करते हैं, हेल्दी बालों की बातें करते हैं, तो मैंने आज के टॉपिक को चूज़ किया है सुपर फूड्स फॉर गुड हेल्थ। कुछ ऐसे खाने हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको अगर हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, वो आपको दे आर नोन टू बी एज ए सुपर फूड्स। और हेलो हेलो भावना, हाउ आर यू? ठीक है, तो आज के शो में इंशाल्लाह सुपर फूड्स हैं। कुछ विजुअल भी मैंने चीज़ें रखी हैं ऐसी जिनके मैं नाम लेती रहती हूँ और काफ़ी लोगों को मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो वो दिखने में कैसे होती हैं चीज़ें वो भी दिखाएंगे आज के शो में आपको। जैसे कि मैं नाम लेती हूँ फ्लैक्स सीड्स का, तो वो कैसे होते हैं। मैं नाम लेती हूँ अगर ओट्स का, तो कौन से अच्छे ओट्स होते हैं। इस तरह से सब चीज़ें सोच समझ के आपको आज बताएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच अना। ओके, लेकिन शो शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। पहला ये है कि अगेन आपने ये जो वीडियो है अपनी वॉल पे शेयर करते रहनी है। जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर्स होंगी उतने ज़्यादा ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा भी होगा, लोग देखेंगे। और हम लोग जो आप लोग वीडियो शेयर करते रहेंगे, हम लोग उनमें से कोई एक खुशनसीब को चूज़ करेंगे फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री डाइट प्लान के लिए। ठीक है, कोई एक खुशनसीब मेरी फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री डाइट प्लान विन करेंगे। तो कीप शेयरिंग योर वीडियोज़ ऑन योर वॉल। ठीक है, और दूसरा जो मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करनी हुई है कि आपको डाइटिफाई का जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, जो फेसबुक हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपने दूसरे लोगों को भी इनवाइट करना है, और आपने ये जो लिंक है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप उस लिंक पे जाएं, उस लिंक को क्लिक करें एंड देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द डाइटिफाई ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप में ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और जो हम अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं वो आपको आएंगी बहुत जल्द डाइटिफाई के पेज पर, फेसबुक पेज पर और ग्रुप पर। मैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने वाली हूँ हेल्दी रेसिपीज़ की भी सीरीज़, और वो हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि हमारे खाने जो हम खाते हैं उनको आप हेल्दियर वर्जन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वहाँ पर हेल्दी रेसिपीज़ भी मिलेंगी। दो के वो उस तरह की नहीं होंगी जैसे कि आप लोगों को नज़र आता है कि जी वो बनाते हुए दिखाते हैं, बट दे वुड बी इन द प्रिंटेड फॉर्म। तो वो आपको और भी बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़, सैलड्स की, सूप्स की, जो आपको आपका कैलोरी कंट्रोल के साथ डाइट कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें थी जो आपको आज के शो में मैंने बतानी थी, मैं बता दी आपको। सुपर फूड्स क्या हो सकते हैं आपकी, सब लोगों ने सलाम करना शुरू कर दी है, वालेकुम अस्सलाम सबको, और आई होप आपको आप सब ज्वाइन कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो ऑन योर वॉल, ताकि हम लोग आप में से चूज़ कर सकें कोई एक खुशनसीब जिनको मिलेगी मेरी फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्द। ओके, रोमा इज सेइंग आई हैव हेयर लॉस प्रॉब्लम आफ्टर डिलीवरी माय बेबी 6 months old। बिल्कुल रोमा, आज के शो में इंशाल्लाह हेयर फॉल की बात होगी और सुपर फूड्स की बात होगी, जो कि जब हम बोलते रहते हैं कि जी खाने ऐसे खाने चाहिए जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छे हों, आपके बालों के लिए अच्छे हों, तो विटामिन ई इज़ वन सुपर फूड, वन ऑफ ऑल दो सुपर फूड्स जो कि आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, स्पेशली फॉर योर स्किन। तो अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इवियन के फॉर्म में कैप्सूल्स मिलते हैं, वो भी आप लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि हमेशा अपने डाइटिशियन या डॉक्टर के कंसल्ट के अलावा प्लीज़ मत जाएं, क्योंकि विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, ये तमाम विटामिन में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनका जो कॉन्टेंट होता है वो ऐसा होता है कि वो आपके लिवर को हैवी कर सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेके नहीं चलेंगे, या अगर आप उसकी हैवी उसको डोज में लेना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर आपको तो नहीं पता ना कि आपको कितना खाना है, तो इसलिए ठीक है। बख्तावर सिंह, आई हैव हेयर फॉल प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, देखिए हेयर फॉल की प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को है उन सब के लिए मैं आज बताने जा रही हूँ कि एक तो मछली का इस्तेमाल आपने हफ्ते में 2 दफ़ा कम अज़ कम, ये मैं कम अज़ कम बोल रही हूँ, मैक्सिमम 3 to 4 times,
मैक्सिमम 3 to 4 या कम से कम 2 दफ़ा हफ्ते में आपने मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉनिटर करें और उसको थोड़ा सा चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वही मुर्गियाँ खाए जा रहे हैं, वही गोश्त खाए जा रहे हैं। यू कैन ऑलवेज मॉनिटर, यू कैन ऑलवेज चेंज योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल। तो फिश इज़ वेरी गुड इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स। और जैसे ही हम मछली का इस्तेमाल शुरू करते हैं, आप देखें बांग्लादेश में कितनी ज़बरदस्त सबके बाल होते हैं, बिकॉज इवन नॉट ओनली बांग्लादेश बल्कि मेडिटेरेनियन जो एरियाज़ हैं जहाँ पर फिश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो लोग उनकी हेल्थ बहुत ज़बरदस्त होती है। उनकी स्किन आप देखें, उनके बाल देखें, एवरीथिंग इज़ सो गुड, क्योंकि फ़िश के जो फैट्स हैं वो वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा विटामिन ई हो गया, फ़िश हो गया, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का मैंने नाम लिया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एलोवेरा, ठीक है। तो एलोवेरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सुपर फूड्स। एलोवेरा का जूस भी मैंने बाजार में देखा है, डिब्बे में मिलता है, मार्केट हो रहा है। लेकिन अगेन आई वुड से कि इट्स बेटर टू टेक इट इन अ नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म क्या हो सकती है एलोवेरा की? या तो आप उसको, काफ़ी लोग उसके जेल को ऐसे निकल लेते हैं किसी तरह से, इट्स रियली रियली बिटर, आई नो बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो किसी तरह से वो निगल लेते हैं, तो वो भी फ़ायदा कर सकता है। वरना लोग इसका कुछ कहते हैं हलवा बना के खा लें, बट मैं पर्सनली कहती हूँ कि उसमें इतनी चीनी और इतना घी होता है कि वो उसकी अपनी जो नेचुरल उसकी वो है ख़त्म हो जाती है, जो न्यूट्रिशन है। तो इट्स बेटर कि आप एलोवेरा को उसका जेल बना के, उसके जेल को पेस्ट फॉर्म में करके और उसको अपनी स्किन पे लगा भी सकते हैं। पिछले शो में मैंने आपको कहा था कि एलोवेरा को एक ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा उसमें ग्लिसरीन डालें और उसको ब्लेंडराइज कर लें, हल्का सा लेमन जूस या हनी डाल के, ठीक है, या रोज़ वाटर डाल के ब्लेंडराइज कर लें, वो एक लोशन सा बन जाएगा। वो अपनी स्किन पे आप सब जगह पे लगा, गर्दन पे लगा के रात को छोड़ दिया करें और सुबह वॉश कर लिया करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि मैं भी स्किन की बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइबा सेइंग आई हैव बेली फैट प्रॉब्लम, प्लीज़ टेल हाउ टू रिड्यूस। लाइबा, बेली फैट के बारे में मैंने बहुत दफ़ा बताया आप लोगों को, और मैं अभी मैं राइट नाउ मैं फोकस कर रही हूँ थोड़ा सा, जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने टॉपिक को कवर कर लेना। और भी लोग हैं जो चाह रहे हैं, हम हमेशा बेली फैट के बारे में बात करते रहते हैं। वी विल टॉक डेफिनेटली अबाउट बेली फैट ऑल्सो लाइबा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम अभी सुपर फूड्स को कवर कर लें। सो वी टॉक अबाउट विटामिन ई, फिश ऑयल्स, और अभी मैंने आपको बताया एलोवेरा। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त जिसे हम कहते हैं एवोकाडो। अच्छा, अब एवोकाडो अगर मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उन्हें पता है एवोकाडो क्या है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों को पता है कि एवोकाडो क्या है। और एवोकाडो पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली लकीली अवेलेबल है, सुपरमार्केट्स में मैंने बहुत दफ़ा देखा है। लेकिन एक और अगर वो फॉर्चुनेटली अवेलेबल है तो अनफॉर्चुनेटली महंगा बहुत है, ठीक है। 200 से 250 का वो एक फ्रूट मिल रहा है, इसे फ्रूट कहते हैं, ठीक है। बहरहाल इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें नेचुरल फैट पाया जाता है, इसमें हेल्दी फैट पाया जाता है। इसको आप कट करें, इसके अंदर की गुठली अलग कर दें और उसका पेस्ट बना लें, और अक्सर लोग इसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर सब डाल के उसका एक गोकामोल बनता है वो खाते हैं। उसको आप एज अ स्प्रेड के फॉर्म यूज़ कर सकते हैं डबल रोटी के ऊपर। और अक्सर लोग इसका एवोकाडो का पेस्ट भी बनता है, यानी कि हेयर मास्क बन सकता है फॉर हेयर फॉल। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, आप लेंगे एवोकाडो आधा, पूरा नहीं लेंगे, और जो आधा बचेगा ना उसको सेलोफेन, जो प्लास्टिक रैप होता है, उसमें रैप करके फ्रिज में रखेंगे, ऐसे खुला ही रखेंगे, क्योंकि ये ब्राउन हो जाता है। उसको आपने मैश कर लिया, मैश करके उसमें आपने एक अंडे की जर्दी मिलानी है, ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, और ये पूरा आपने मिक्स करके अपने बालों की जड़ों में लगा लिया। अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लेना चाह रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू ओमिट इट, फाइन, नहीं लें। आपको जाहिर अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप ना लें, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। शायद ना मसूद इज आस्किंग, चकूतरा डिटॉक्स कैसे बनते हैं? चकूतरा डिटॉक्स मीन्स ग्रेपफ्रूट। ग्रेपफ्रूट इज सिंपल, ग्रेपफ्रूट का आप जूस निकाल लें, ठीक है। ग्रेपफ्रूट, एक ग्रेपफ्रूट का आप जूस निकाल लें, तकरीबन आधा ग्लास के करीब निकलेगा, मीडियम साइज ग्रेपफ्रूट का या ऑलमोस्ट ग्लास निकलेगा। उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट वाटर ऐड कर लें, नारियल का पानी, अगर नारियल का पानी नहीं अवेलेबल है तो सादा पानी ऐड कर लें, उसको अच्छे से हिलाएं एंड देन उसको आप पी लें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्स फॉर्म ऑफ ग्रेपफ्रूट जूस। ओके, अस्का इज सेइंग, मुझे भी कुछ बता दें प्लीज़, मैं डाइट नहीं कर सकती बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कंसीव बट वॉन्ट टू लूज, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई लूज विदाउट स्ट्रिक्ट डाइट। अस्का, पहली बात तो ये है कि द प्लान विच आई गिव माई क्लाइंट्स नो वेरी वेल कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट नहीं देती, ठीक है। जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ ज़रा कॉमेंट करना शुरू कर दें कि क्या मैं आपको स्ट्रिक्ट डाइट देती हूँ, क्या मैं आपको फाके कराती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
डाइट हमेशा कंट्रोल्ड होती है, पहली बार कस्टमाइज्ड होती है। आपकी कंडीशन अलग है, आप कंसीव करना चाहती हैं, आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होगी, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, उस हिसाब से आपका एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें डेफिनेटली आप सब कुछ खाएंगी मगर कंट्रोल फॉर्म में, और आपको एक्सरसाइज करने को बहुत कहा जाएगा। ये तो याद रखिएगा, देखिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं ईजाद है कि आपने जी सब कुछ खाना है और आपने एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करनी, बस वॉक कर लिया आधा घंटा काफ़ी है और आप चाह रहे हैं कि मुझे रिजल्ट मिले, ऐसा होता नहीं है, ऐसा सीरियसली नहीं होता। ठीक है, नैना इज सेइंग वेरी गुड डाइट, थैंक यू सो मच नैना। नैना और भी लोग प्लीज़, इफ़ एनीवन इज वॉचिंग माई पेशेंट्स माई क्लाइंट्स, प्लीज़ 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 बताएं ज़रा लोगों को कि जी क्या सना असफर आपको भूखा मारती हैं। ओके सो नाउ अगेन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी वॉल पे मेरी वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप में से एक खुश नसीब लेगा जीत सकते हैं मेरी फ्री कंसल्टेशन एंड अ डाइट प्लान, और उसके साथ साथ आपने जो डाइटिफाई का हमारा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत लेटेस्ट अपडेट्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सलाम वालेकुम, सलाम, कैसी हैं आप, ठीक हैं। हेयर फॉलिंग का मैंने इशू बता दिया, मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूँगी क्योंकि दो तीन दफ़ा क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं एक ही सवाल को बार बार रिपीट अगर करने लगूंगी तो मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा। आई सेड एवोकाडो पेस्ट, एवोकाडो मास्क इज वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप अब चाहते हैं कि एवोकाडो मास्क हम ऐसे, देखिए ये जो मैंने बताया ना, एवोकाडो, अंडे की जर्दी एंड लेमन जूस, दिस इज टिपिकली फॉर हेयर फॉल, कि हेयर फॉल रुक जाए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, सही है, रफ हैं, तो आप इसी एवोकाडो में, यानी एवोकाडो का पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नारियल का तेल ऐड कर, नारियल का तेल या आलमंड ऑयल, दोनों में से कोई एक, उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको अपने बालों में अच्छे से लगा लेंगे और उसको आप छोड़ देंगे। अगर बाल यहाँ से आपके ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो सिर्फ इस एरिया में लगा लें, अगर पूरे हैं तो पूरे सर में लगा लें, बाहर लगा के मास्क को। और मैं जो पर्सनली रिकमेंड करती हुई करती हूँ कि मास्क लगाने के बाद आधा घंटा छोड़ें, जब वो सूख जाए, थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाए, तो एक गर्म टॉवल लें, उसको मतलब टॉवल को गर्म पानी में डुबोएं, उसको अच्छे से स्क्वीज़ करें कि उसका पानी निकल जाए, मगर वो गर्म रहना चाहिए, और उसको अपने सर पे लपेट लिया करें। उससे होता है कि आपके स्कैल्प जो होती है उसके पोर्स ओपन होते हैं, यू गेट ऑल द नरिशमेंट इन योर स्कैल्प। ओके जी, हिरा सिंह, आपका डाइट बहुत इंजॉयबल होती है, अच्छा जी, चलें, आई एम श्योर और लोग भी देख रहे होंगे। 4 वीक्स हो गए डाइट को फॉलो करते हुए, मैं अब तक बोर नहीं हुई, वेरी नाइस हिरा, थैंक यू सो मच। दैट्स द पॉइंट कि आप लोग डाइट भी इंजॉय करें, आपका वेट भी लॉस होता रहे साथ साथ, एंड यू नो बिकॉज वट आई बिलीव इज वेट लॉस इज़ अ बिग जर्नी। अगर किसी इंसान को 20 किलो वजन कम करना है, मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि भाई आपने बस मेरे पास आप आए और 3 महीने में आपको मैं ऐसा कर दूंगी और फिर उसके बाद वो जैसे भी मैं उसको पतला करूँ और फिर मैं उसको पहचाने से इनकार कर दूँ 3 महीने बाद, फिर मैं जानती नहीं आपको आप कौन है, ऐसा नहीं होता। वेट लॉस इज़ अ बिग जर्नी। मेरे कितने पेशेंट्स, कितने क्लाइंट्स ऐसे जिन्होंने एक दफ़ा मेरे साथ 5 वीक्स प्रोग्राम बुक कराया एंड दे आर कंटिन्यूसली फॉलो अप मेरे साथ हैं, बार बार बुक करा के बार बार से फॉलो अप में रहते हैं। वाई? बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू लूज वेट। दो के ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी कम है, लेकिन आई हैव नो प्रॉब्लम, आप लोग अपना बस वेट कम करें, हेल्दी तरीके से वेट कम करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और यही हमारा मकसद है डाइटिफाई का, जो हमारा पेज है, जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी सर्विस है, इसका मकसद ही यही है कि आपको सही गाइडलाइंस दी जाए, ठीक है। ओके जी, रिचा इज सेइंग हाइपोथायरिज्म एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ओके रिचा, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट। नायरा थी कि सेइंग बच्चों को नूडल्स दे सकते हैं लंच में स्कूल के लिए, जो आपके स्पेगेटीज आती हैं, एग नूडल्स आते हैं, चाउमिन बनाते हैं, दैट इज़ फाइन, बट दोज इंस्टेंट नूडल्स मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगी, बट इंस्टेंट जो बनते हैं 3 मिनट वाले, नो, अ बिग नो। नौशीन इज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन, कैन वी लूज आफ्टर मेनोपॉज, यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, मेनोपॉज के बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बॉडी का मैकेनिज्म तो वही रहता है ना, यू जस्ट हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ताकि बॉडी थोड़ा सा वेट लॉस को देर से रिस्पॉन्ड करती है, बट इट्स नेवर टू लेट, यू कैन इवन स्टार्ट वेट ट्रेनिंग आफ्टर मेनोपॉज, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। 1 मंथ में कितना कम हो सकता है वेट, नुदरत इज आस्किंग। नुदरत, 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, एंड इफ़ वी गो फॉर 1 किलो 1 वीक, देन वील टेक 4 kgs इन मंथ, इनशाला 4 से 5 kgs हो जाता है लोगों का कम,
ओके लाइबा अगेन पूछ रही है, प्लीज प्लीज वेरीफाइड को बता दें. लाइबा वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर फूड्स ओके एंड वी टॉकिंग अबाउट गुड हेल्थ. तो वेरीफाइड का भी बता देते हैं कि ग्रीन टी जो कि इस वक्त मैं पी रही हूँ, ठीक है, दिस ग्रीन टी इज वेरी गुड. ये आप हर खाने से पहले पीना शुरू कर दें, राइट. हर खाने से मतलब ये कि जाहिर सुबह सुबह उठ के तो आप नहीं पी सकती, मगर एटलीस्ट दोपहर के वक्त जो है आप, ठीक है, दोपहर के वक्त आप ये कर सकते हैं कि दोपहर को आप खाने से आधा घंटा पहले पी लें और रात को भी आप खाने से आधा घंटा पहले पी लें. तो दिस विल हेल्प टू बर्न बेली फैट. बट जो एग्जैक्ट हम चाह रहे होते हैं कि हमारा बेली फैट कम हो, वो आपका होता है वर्कआउट से, एक्सट्रीम वर्कआउट, कार्डियो, एक्सट्रीम कार्डियो. कार्डियो की वीडियोज मैंने बहुत सारी शेयर की हैं, ठीक है. ओके, सईद अहसन सज्जाद इज सेइंग आई हैव बीन हर क्लाइंट सिंस वन ईयर, आई हैव लॉस्ट 17 केजीज एंड यस शी इज राइट, शी गिव कस्टमर्स ओके यस कस्टमाइज डाइट प्लान एंड वी डोंट स्टॉप एट ऑल. थैंक यू सो मच अहसन सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग फॉलोअप में आते हैं, बड़े शौक से भी आते हैं एंड स्पेशली आप आए थे मेरे पास, वेट आपका जब कम भी हो गया था बट स्टिल यू वॉन्ट टू बी हेल्दी विच इज़ गुड. तो आई होप यू डूइंग वेल. अनम इज सेइंग गर्म वाटर पीने से वेट लॉस होता है. अनम, मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वेरी ऑब्वियस कि आप गर्म पानी पिएं और आपका वजन कम हो. कोई रिसर्च नहीं है इस पर, मैं बता रही हूँ एक बात खुल के कि देर इज़ नो सच रिसर्च जो हमें अब तक नज़र आती है. बट येस वी हैव सीन टेस्टिमोनियल्स, हमने लोगों के ऊपर टेस्टिमोनियल्स देखे कि लोग कह रहे हैं कि जी हमने हम पीते हैं और हमें फायदा होता है. तो ठीक है, पीने से कोई हर्ज नहीं, बट यू नीड टू कंट्रोल योर कैलोरीज ऑल्सो. कैलोरी कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है. अस्मा इज सेइंग डॉक्टर आई एम अ पेशेंट अस्मा, डॉक्टर ने आपसे डाइट प्लान लिया, अच्छा स्टार्ट नहीं कर सकी आप, तो प्लीज़ हेल्प मी. अपने डिटॉक्स दिया था, ठीक है, एक काम कर लें आप फॉलो अप चाहें तो मुझसे बुक करा सकती हैं अस्मा, इफ़ यू वांट टू. बट इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग डूइंग वेल, आप वही डाइट प्लान फॉलो करती हैं. मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ज़बरदस्ती मुझसे फॉलो अप लें. इफ़ यू थिंक यू वांट अ विजिट, अ फॉलो अप कंसल्ट, फॉलो अप आपको चाहिए, आपको ज़रूरत लगती है, आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है. निहार मू ग्रे फ्रूट जूसेस पीने से कोई फ़र्क फॉर वेट लॉस? अगेन सना, नॉट नेसेसरी. अगर आपने निहार मू ग्रे फ्रूट का ज़बरदस्त से जूस पी लिया, पहली बात तो ये है अगर आप निहार मू ग्रे फ्रूट पियेंगी तो यू विल फील एसिडिटी, बिकॉज ग्रे फ्रूट इज़ ऑल्सो एसिडिक और खाली पेट आपके पेट में होते हैं एसिड्स, तो ये आप सोचने क्या होने वाला है. दूसरा ये कि आपने नाश्ता भी फिर ऑटोमेटिकली आप डर डर के नाश्ता भी नहीं करेंगी ठीक से कि भाई मैंने तो ग्रे फ्रूट का जूस पिया मुझे तो वजन कम करना है. फिर लंच भी आप थोड़ा सा कम कम करना शुरू हो जाएंगी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको. फिर आखिर में करते करते आप डिनर बहुत हैवी कर लेंगे, तो गो फॉर दैट थिंग जो आप कर सको, ठीक है. ग्रे फ्रूट टेक इट इन योर नॉर्मल मील्स, ठीक है. ओके, आई हैव टेक्स्टेड यू ऑन पेज डाइटिफाई अबाउट ग्लूटाथियोन, गॉट नो रिप्लाई. Asan, I haven't been on this thing. I will look into it definitely and will get back to you very soon, inshallah, theek hai. Asma is saying, I've started diet as you give me plan. In 22 days, I've lost 7 kgs. Weight is... Okay, theek hai. 22 din mein aapne 7 kgs weight is... leni hai. Beshak kam lein, thodi lein, magar lein. आप क्या कर रहे होते हैं, आप लोग कह रहे होते हैं कि भाई अगर मैं चपाती ना लूँ और मुझे तो लग रहा है कि मैं चपाती के बगैर अभी रह सकती हूँ, कब तक आप रहेंगी? फिर एकदम से आप खाएंगी, फिर आपको वही मसले आएंगे. तो इट्स बेटर, ओके, सो वी आर बैक नाउ. आई एम श्योर कोई मसला, ओके, एक्चुअली थोड़ा सा हमारा इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं जब से बारिश के भी मसले हैं तब से. शायद सेइंग हाय आई हैव अ 20 ईयर ओल्ड सन, शायद आप कुछ पूछ रही हैं. बच्चों को हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, बताते हैं. ओके, अस्मा इज सेइंग एंड व्हाई यू सेट चीट डेज फॉर मी एंड व्हेन आई कैन ईट इन चीट डेज. आप क्या बोलना चाह रही हैं अस्मा, दोबारा जरा बोलें प्लीज. अच्छा, व्हाट कैन आई ईट? अस्मा, मैंने आपको समझाया था चीट डे जब भी रखा जाता है उसके पीछे एक रीजन होता है, सही है. वो मैं आज आप लोगों को खुल के समझा रही हूँ ताकि आप लोग एक दफा समझ लें. अगर फर्ज कर आपको एक डाइट प्लान दिया जा रहा है कि जी आपने 15-18 किलो वजन कम करना है और आप सुबह नाश्ते में 2 प्लेट अंडे लेंगे, दोपहर को आपने 1 प्याला सूप का पीना है, सब्जी के सूप का, 1 टुकड़ा मछली का खाना है, शाम को आप एक चाय पी लें बिस्किट के साथ और रात को आप सलाद ले लें बहुत सारा,
दो पीस कबाब के साथ। बिलीव करें, ये जो मैंने आपको बताया है ना रटा हुआ डाइट प्लान, ये इससे आपका 15 किलो 18 किलो मंथ्स में चला जाएगा, आई कैन गारंटी। लेकिन वो किस तरह जाएगा कि आपकी बहुत जल्दी आपकी स्किन लटक जाएगी, आप वीकनेस फील करेंगे, आप चिड़चिड़ाएंगे। और ये जो मैंने आपको एक डाइट प्लान अभी रेंडमली बताया है, क्या आप रोज़ाना ये खाते रहेंगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन फॉर हाउ लॉन्ग? उसमें फिर क्या होगा, घर में कोई शादी आ रही है, कोई खानदान में कोई वो आ रहा है, या आपने कहीं ईटिंग आउट हुआ, यू विल बी लाइक छोड़ो सब कुछ मैं खा लेती हूँ, सही है? और वो जो खाना होगा ना, वो उन तमाम 15 दिनों की इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर पानी फेर देगा। ये वजह होती है चीट डे रखने की, कि हफ्ते में एक चीट डे होता है, आपको पता होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, फ़र्ज़ करें आप डाइट कंट्रोल करके बैठी हुई हैं, आपके घर में बिरयानी पकी है, आपको पता है कि यार चलो मैं संडे को, आप अपना हिस्सा फ्रीज करवा लें, आप बोले मैं संडे को खाऊंगी, सैटरडे को खाऊंगी, चीट डे वाले दिन खाऊंगी, उससे ही होगा कि वो आपके जो चीट में आप जब, और जब आप खा लेंगे आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी क्रेविंग्स। हम मोटे क्यों होते हैं, हमें क्रेविंग्स होती रहती है, जब क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई कोई मसला नहीं, दोबारा नए सिरे से डाइट प्लान। बल्कि चीट डे पे जब आप खाते हैं ना, तो आपको होती है गिल्ट फीलिंग, आप इतना सा भी खाएंगे आपको होगा कि नहीं यार गिल्ट फीलिंग हो रही है, आप कहते हैं अब मैं अपना डाइट प्लान और स्ट्रिक्टली करूँगी, समझ रहे हैं? तो ये अस्मा, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड चीट डे। आप क्या खा सकते हैं वो मैं भी समझा देती हूँ, कि नाश्ता जैसे आप यूजुअली कर रहे होते हैं, फर्स्ट कर आपको क्रेविंग हो रही है पराठे की, तो आप होल व्हीट चपाती का, होल व्हीट आटे का एक छोटा पराठा ले सकती हैं, अंडे के साथ या कबाब के साथ या जिसके साथ भी। फिर आपने कहा अच्छा मुझे कस्टर्ड खाने का आज मूड हो रहा था, मेरा पूरा हफ्ते से दिल चाह रहा था कस्टर्ड खाने का, आपने एक छोटा प्याला कस्टर्ड का लंच टाइम में खा लिया खाने के बाद या खाने से पहले जो भी, ठीक है? आपका बहुत अरसे से दिल चाह रहा था निहारी खाने का, नान की रोटी के साथ, मैं यहाँ तक बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा सा पोर्शन निहारी का लेंगे, थोड़ा सा नान की रोटी लेंगी, बाकी आप नॉर्मल चक्की के आटे की रोटी लेंगे। नान की रोटी आपने थोड़ी चख ली, थोड़ी सी टुकड़ा खा लिया, उससे क्या हुआ कि आपकी क्रेविंग्स सेटिस्फाई होंगी। सारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे ख़त्म होता है, सही है? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम अपने टॉपिक से अगेन हिल गए हैं, वाई? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दूसरे चक्रों में। अब जी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप शेयरिंग माई वीडियो टू योर वॉल, अपनी वॉल पर मेरी वीडियो शेयर करते रहें, सो दैट यू कैन विन, वन ऑफ यू कैन विन माई फ्री कंसल्टेशन, ओके? एंड डू शेयर द फेसबुक ग्रुप, ओके? ओके, ठीक है, हम बात करें सुपर फूड्स के हवाले से। मैंने आपको हेयर का एक ज़बरदस्त मास्क बताया जिससे आपके हेयर फॉल भी रुकेगा और हेयर शाइनी और ब्राइट भी हो जाएंगे। इसके अलावा स्किन के हवाले से मैंने कहा कि फ़िश अच्छी होती है, विटामिन ई ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा एलोवेरा मैंने कहा, आप एलोवेरा का जेल, मैंने आपको एलोवेरा का जेल का भी, मैंने आपको एक लोशन का रेसिपी बताया कि आपने ये, मैं किसी का बिजनेस डाउन नहीं कर रही, लेकिन जितने भी एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं, जितनी भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, इन सब की ये समझ लीजिए एक देसी चीज़ है कि आपने एक जार में एलोवेरा का जेल लेना होता है एक ब्लेंडर के अंदर, उसके अंदर आपने एलोवेरा का जेल डाला, उसके अंदर आपने ग्लिसरीन डाला, उसके अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब डाला, एंड देन उसको आपने ब्लेंडराइज कर लिया, उसको आपने अपने लोशन बना के रख लिया, और रोज़ाना रात को अपने स्किन पे, चेहरे पे, गर्दन पे मसाज करके सो जाएं। आप देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ब खुद जो है ना फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी? ओके, अच्छा अब मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि मैं आपको जो सुपर फूड्स हैं उसके बारे में बताऊं, क्योंकि टाइम हमारा कम होता जाएगा और फिर ऐसा ना हो कि कहीं हमारा टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है? हम बात करते हैं ओट्स की, ठीक है? डाइट प्लान में अक्सर हमारे होता है, मैं आपको बता रही होती हूँ कि जी ओट्स लें, ओट्स लें। अब ओट्स कौन सा ले सकते हैं, ठीक है? वैसे तो एक चीज़ होती है गंदम का दलिया, विच इज़ नॉर्मल रेगुलर दलिया जो आराम से मार्केट में मिल जाता है, जो हम पंसार के पास लेते हैं, जहाँ से हम जौ का दलिया लेते हैं वहाँ से गंदम का कुटा हुआ दलिया मिलता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी आप खा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ नेचुरल तरीन चीज़ों की, ठीक है? ओके, असमय सिंह, मैं यूएई में हूँ। यूएई में आप जीएनसी के मल्टी वाइटामिन यूज़ करना शुरू कर दें, अच्छे होते हैं, ठीक है? जीएनसी इज़ इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी। अच्छा, ये जो है फर्स्ट थिंग इज़ रोल्ड ओट्स, मैं बोलती रहती हूँ ना रोल्ड ओट्स, ठीक है? पाकिस्तान में रोल्ड ओट्स मैंने जहाँ जहाँ देखा है सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है, कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता है, तो जब आपको नज़र आप ला के रख लें, ठीक है? दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है? इस तरह से ही आपका दिस इज़ रोल्ड ओट्स, ठीक है? कैसा लगता है ये मैं आपको, अगर मैं आपको अपना खोल के भी दिखा सकती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि रोल्ड ओट्स होता कैसा है।
जो नॉर्मल ओट्स आप लोगों के होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ओट्स होते हैं उससे ये थोड़ा हटके होता है। जो आप वाइट वाला लेते हैं, क्वेकर ओट्स लेते हैं, वो प्रोसेस्ड, बिल्कुल प्रोसेस्ड होता है। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है जी, लाइक दिस। आई होप आपको नज़र आ गया होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ उसको, इसका एक ग्रेन ढक इतना चपटा होता है, सही है। इन्होंने किया क्या होता है कि ये जो आपका गंदम का गंदम होता है ना, इसको इस पर रोलर फेल देते हैं, रोल कर देते हैं इसको, यानी कि इसके अंदर सारे, इसके अंदर जो गजाइत होती है वो सब इसके अंदर जमा रहती है, फाइबर बेइंतहा होता है इसके अंदर। तो इस तरह से आप ये इसको पकाने का वही तरीका होता है। अगर आप चाहें तो दूध में पका सकते हैं, वरना मैं हमेशा कहती हूँ पानी में पकाएं, ताकि थोड़ा मिल्क कंटेंट कम जाए बॉडी के अंदर, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूध नहीं पका सकते, टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना मज़े का खाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड रोल्ड ओट्स। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये इस तरह से होगा, इस पर लिखा होगा रोल्ड ओट्स। कंपनीज डिफरेंट होती हैं, क्वेकर वालों का भी मिल रहा है आजकल, इनका भी मिल रहा है, आप पता कर लें, ठीक है। इतना जो अमाउंट, जो साइज़ है ना, वो आप लेके रख लें। ये तकरीबन आराम से 3 से 4 महीने चलता है। और इसकी एक रिसर्च मैं आपसे शेयर करूं कि जो लोग रोल्ड ओट्स रोज़ाना नाश्ते में लेते हैं, उनका बेली फैट बहुत